तो हेलो गाइस, हम लोग क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं मैगी विथ फ्राई। मैगी को हमने पहले बॉईल कर दिया है, फिर मैगी को हमने बॉईल कर दिया, उसको कैप्सिकम मिर्ची डाली है और मैगी का मसाला डाला है। उसके बाद हमने प्याज, टमाटर और लहसुन और उसका चॉपिंग कर लिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा तेल डालकर हमने उसको थोड़ा तेल डाला है और उसके बाद थोड़ा हमने जीरा डाला है। जीरा और हमारे पास हमारी मम्मी की बनाई हुई लहसुन की और टमाटर की धनिया की चटनी थी, वो थोड़ी डाली, एक चम्मच। उसके बाद हमने डाला है, हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और थोड़ा सा स्वाद अनुसार हमने डाला है नमक। अब हमने जो बॉईल किया है मैगी को, तो मैगी को हम निकालेंगे और उसको हम डालेंगे इसके अंदर, बराबर। और फिर हम उसको पहले जो हमने मसाला बनाया हुआ है तो मसाले से हम उसको मिश्रण करेंगे। मिश्रण करने के बाद उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा गैस फास्ट करके हम उसको थोड़ा मिश्रण करेंगे, जिससे जब जो मैगी के अंदर का जो मसाला जो हमने जो तेल से बनाया हुआ है वो मैगी के अंदर स्वाद अनुसार गिर जाए। फिर इसको थोड़ी देर हम 5 मिनट इसको थोड़ा सा होने देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो मैगी का बॉईल किया हुआ पानी है वो थोड़ा सा डाल देंगे, वो पूरा हम उसको अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का सा ताप देकर उसको थोड़ा ग्रेवी होने देते। और गाइस, आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि मेरे को गाल पचौड़ा हो गया था और फिर अभी वो मिट गया है, देखो। हे गाइस, अभी हमारा आ रहा हूँ अच्छी अच्छी से मैगी हरे क्रीडर्स को बनाकर खिलाने वाला है। यूजर्स उनको फॉलो कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए और ये कोई तो लाइक करो। हमारा छोटा सा बच्चा है, उसको ब्लॉगिंग और वीडियो बनाते नहीं आ रहा है, फिर भी अच्छा है, तुम्हारा लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अगर ये बच्चा भविष्य में बड़ा होगा और अच्छा सा ब्लॉगिंग बनाएगा तो उसमें तुमको दो चीज अच्छी सी सीखने मिलेगी। हेलो गाइस, थैंक यू, तुम्हारा खूब खूब आभार। हाँ। और हमारे बच्चे को सपोर्ट कीजिए, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी फिर इसमें क्या करना है मैगी में? बस अभी मैगी हमारी तैयार हो गई है और बस हम उसके ऊपर थोड़ा सा सजाने के लिए धनिया डालेंगे, है ना? सजाने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। कौन सा गरम मसाला? मस्त हमारा खिचड़ी का गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा कौन सी कंपनी का? हम किचन एक्सप्रेस का गरम मसाला डालेंगे। हाँ देखो, उसको स्वाद अनुसार ही डालेंगे और इसके ऊपर हम घर का बनाया हुआ जो पानी पूरी वगैरह में सब जगह में यूज करते हैं वो, ये कौन सा मसाला है? ये हमारा एक्चुअली में नेचुरल गरम मसाला है, इसके अंदर जीरा है, धनिया है, नमक है, सब पीस के बनाया है। इसके बनाया हुआ हमारा मसाला है। हाँ। वो हम डालेंगे और गाइस आप लोग हमारी मैगी तैयार हो गई है और अब हम उसको और गाइस आप लोग खाएंगे और हम उसको
टेस्ट करेंगे कि हमारी मैगी का स्वाद कैसा है। और गाइस आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं अच्छे वीडियो नहीं बनाता तो फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तो मैं गेम की वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से लाइक करना सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। तो अभी रात के कितने बजे? रात के अभी करीबन ज्यादा नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, पर अभी 10 बज गए। 10 1 बज गए, 10 बजे, 10 1 10 10 PM हो गया है और हमारी मैगी भी सज गई है और हम बढ़िया से मैगी खाएंगे इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद। और आप हम और बताओ कि मम्मी कहाँ गए? मम्मी तो गए हैं वो जॉगिंग करने। लोग सुबह जॉगिंग करते हैं, हमारी मम्मी रात को जॉगिंग करती है क्योंकि खाना खाने के बाद पेट पेट हजम नहीं हो रहा है। हाँ, और समझा दो इंग्लिश में कि हजम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हजम को तो मेरे को इंग्लिश में नहीं आता है, तो गुजराती में क्या है, खावा पचन करवा गया। अबे ब्लॉग आप लोग अपने ठही क्यों हो तो तुम्हें ब्लॉग ने ओके करी है ने तुम्हारा यूजर्स और नाखी दो जितनी तुम्हारे यूजर्स तुम्हारे ब्लॉग जो है अने तुमने लाइक करे ने फॉलो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।